मैनपुरी पहुंचे धर्मवीर प्रजापति स्वतंत्र प्रभार काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज के दिन हमारे देश के क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन एक्शन पर इंग्लैंड ले जा रहे भारत के गोल को ले जाने से रोका था और इसमें हमारे कई क्रांतिकारी शहीद हो गए थे, इसलिए आज के दिन को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से हम लोग मनाते हैं। पत्रकारों के पूछे गए वोट संपत्ति मामले पर जो कल बिल लाया गया है उस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा जनता के हित में फैसला करती है लेकिन विपक्ष हमेशा इसका विरोध करती है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज हमारे देश के लिए समर्पण त्याग बलिदान करने वाले काकोरी ट्रेन एक्शन के हमारे वीर शहीदों को नमन करने का एक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। उसी के तहत यहाँ मैनपुरी में ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र के प्रति हमारे शहीदों की भावना, उनके किए हुए राष्ट्र के प्रति करते कर्मों को कार्यक्रम के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए उनको जानकारी कराना, उनको प्रेरित करना का कार्यक्रम है। और मैं आपके माध्यम से सभी उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी हमारे शहीदों के, हमारे बलिदानियों के परिजनों को और हमारे बलिदानियों शहीदियों को हृदय से नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी उनके परिजनों के लिए ईश्वर से शुभकामनाएं प्रेरित करता हूं। मंत्री जी, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आपकी सरकार आपकी पार्टी ने किसी संगठन ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई मार्च नहीं निकाला, क्या वजह है पूरे देश में शांति? निश्चित रूप से निंदनीय है और हमारी केंद्र की सरकार इस पर पूरी गंभीरता से ध्यान रखे हुए है, गंभीरता से इसमें हम लोग देख रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जल्द में दो विधेयक लेके आए जिसमें विपक्ष ने काफी ज्यादा विरोध किया। जल्द ही जो केंद्र सरकार लेके आ रही थी वक्त बोर्ड को लेके वो जेपीसी में भेज दिया गया और उत्तर प्रदेश में नदूर संपत्ति को लेके, क्या वजह है कि विपक्ष जो है कोई भी सरकार जनहित में कार्य करती है तो खिलाफत में खड़ी हो जाती है? विपक्ष निश्चित रूप से हमेशा विरोध में ही खड़ा होता है, जब सरकार कोई भी हो। तो मैं कह सकता हूं कि जो भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का जो भी निर्णय होता है वो देश हित में, समाज हित में निर्णय होता है और सभी सोच समझ करके जनहित के लिए निर्णय लिए जाते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हर रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।